बात करेंगे यूसीसी की। भारत में फिर से एक बार यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता की मांग हो रही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता की बात कही गई है, लेकिन आज़ादी के 75 साल बाद भी भारत में यह कानून लागू नहीं हुआ, या यूं कहें कि यह मुद्दा राजनीति की भेंट चढ़ गया। हालांकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा के दौरान समान नागरिक संहिता का मुद्दा उठा दिया एक बार, जिसके बाद पूरे देश में राजनीति गर्म है। कुछ विपक्षी दल समान नागरिक संहिता के पक्ष में है तो कुछ इसके विरोध में भी नजर आ रहे हैं। हालांकि यह कानून अब तक भारत में लागू नहीं हुआ है, लेकिन अगर दूसरे देश की बात करें, अगर अमेरिका, आयरलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान और इजिप्ट की बात करें तो वहाँ यह कानून लागू है। हालांकि इस कानून को लागू करने को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आपात बैठक बुलाई है और सदस्यों से इस संबंध में राय मांगी है। विधा और न्याय मंत्रालय की ओर से वर्ष 2016 में समान नागरिक संहिता के संबंधित मुद्दों के समग्र अध्ययन के लिए विधि आयोग का गठन किया गया है। विधि आयोग ने कहा कि समान नागरिक संहिता का मुद्दा मूल अधिकारों के तहत अनुच्छेद 14 और 25 के बीच द्वंद्व से प्रभावित है। आइए पहले हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सुनाते हैं, जिसमें उन्होंने भारत में यूसीसी को लागू किए जाने की कवायद की है। भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा? क्या फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितेशी होते तो अधिकांश परिवार मेरे मुस्लिम भाई बहन शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग। देखिए, सैद्धांतिक रूप से हम इसके समर्थन में हैं। तो आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना, उन्होंने अपने संबोधन में यूसीसी का मुद्दा एक बार फिर उठाया और कहा कि एक परिवार के लोगों में एक ही कानून होना चाहिए। आइए सुनते हैं कुछ राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं ने यूसीसी को लेकर उनकी क्या कुछ राय है। कि इस मुद्दे के लिए वाइडर कंसल्टेशन हो, लार्ज स्केल पर बातचीत हो, सभी धर्म से, सभी संप्रदाय से, सभी राजनीतिक दलों से। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो आने वाले समय पर आप रिवर्स नहीं कर सकते, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो देश के लिए बहुत मूलभूत होते हैं। ऐसे मूलभूत मुद्दों पर अथॉरिटेरियन तरीके से जाना वो ठीक नहीं होगा। तो वाइडर कंसल्टेशन की जरूरत है, सबसे बातचीत करके कंसेंसस बिल्ड करनी चाहिए, इस पर ये हमारा मानना है। इसमें कई जो जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान है, उन्होंने इसे खारिज किया कि अब इसे नहीं मानेंगे, उन्होंने अपना बयान जारी किया। आम आदमी पार्टी इसके समर्थन में, अगर सबसे बातचीत करके इसे लागू किया जाता है। हम सैद्धांतिक रूप से इसके समर्थन में है, लेकिन इसके एग्जीक्यूशन या इसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका कंसेंसस है। बिना कंसेंसस आप ऐसी चीज लागू नहीं कर सकते जिसमें बहुत सारे लोग आपसे दुखी और नाराज हो जाए। जैसे कि आपको मालूम है, सजेशंस मांग रहा है लॉ सेक्रेटरी फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो सो इंट्रोड्यूस करना या नहीं करना बोल के वो सजेशंस मांग रही है। आज से 3 साल पहले भी सजेशंस मांगे थे, वो 3 साल पहले भी जो सजेशंस आए थे अगेंस्ट आए थे कि कोई रिलीजन एक्सेप्ट नहीं करा, कोई रिलीजन जो सो मदाखिलत करना नहीं चाहता, किसी के रिलीजन में कोई जो सो मदाखिलत करे तो कोई बर्दाश्त नहीं करता।
हमारे शरीयत के हिसाब से रहने दो, हिंदू एक्ट के तहत रहने दो, हिंदू सक्सेशन एक्ट रहने दो, क्रिश्चियन सक्सेशन एक्ट रहने दो, या नहीं तो सरदार जी उनका एक्ट रहने दो, कोई भी एक्ट के तहत जो है सो नो रिलीजन इज गोइंग टू एक्सेप्ट एनी इंटरफेरेंस इन द रिलीजन। कोई टॉलरेट नहीं करेगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू किया गया तो कोई टॉलरेट नहीं करेंगे, नो बडी विल एक्सेप्ट द इंटरफेरेंस इन द पर्सनल रिलीजन, इन द पर्सनल रिलीजन, समझना। तो मैं आप असल ये टैक्टिक्स क्या है बोले तो, बीजेपी गवर्नमेंट के पास बाबरी मस्जिद का इश्यू था, दो इलेक्शन लड़ लिया, अब इनके पास इश्यू नहीं है, अभी तो चाह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बोल के ऐसा लेके आके जो करीब इलेक्शन के करीब लाके रोकते रोके बोलते हमारे को इख्तदार पे लाओ, हमारे को मेजोरिटी से जीताओ, फिर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। हिंदुस्तान इज ए प्लेस वेयर मिक्स रिलीजन आर देयर, कोर्ट्स एथिक्स है यहाँ पर, लोगों के जो है सो सेंसेशन, लोगों के सेंटिमेंट अटैच है यहाँ पर रिलीजन के साथ, तो देर इज नो चांस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया। ये हमारा एक्सपीरियंस बोलता, हमारा तजुर्बा बोलता, ये दिस इज नथिंग बट ए पॉलिटिकल गिमिक। एक पॉलिटिक्स में इलेक्शन क्यों बोलते, लोकसभा इलेक्शन खरीब आ रहे हैं, इलेक्शन की एक गिमिक है। तो हम क्या, कोई रिलीजन विल नॉट एक्सेप्ट इंटरफेरेंस, नो बडी विल टॉलरेट यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो है सो इम्प्लीमेंट करेंगे। हमारी पार्टी और हमारी पार्टी बहुत मुखालिफत करेंगी, इनकलाब पार्टी जो CA NRC में सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट करी थी, ओल्ड सिटी की तरफ से हैदराबाद सिटी में CA NRC में जो प्रोटेस्ट करी थी, इनकलाब पार्टी कोई पार्टी नहीं करी थी ओल्ड सिटी में या न्यू सिटी, आप कहीं भी तारीख उठा के देखेंगे तो हमारी पार्टी विल गो अगेंस्ट द यूनिफॉर्म सिविल लॉज। यानी कि शादी, ब्याह, विरासत, जमीन जायदाद, संरक्षण, प्रतिपालन या फिर गोद लेने के कानून आदि। आजकल ये सवाल उठ रहा है कि हमारे देश में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, यानी कि आप किसी भी पंथ, किसी भी मजहब, किसी भी जाति के हों, एक समान सिविल कानून सबके ऊपर लागू होना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों ने समाज में ये अफवाह उड़ानी शुरू कर दी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड मुसलमानों के खिलाफ है। मैं सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता हूं, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं और इत्तफाक से मजहब से मुसलमान भी हूं। तो मैं इस विषय को क्लियर करने के लिए आप लोगों के सामने इसलिए मौजूद हुई हूं क्योंकि मैं ये मानती हूं कि मुसलमान समाज को यूनिफॉर्म सिविल कोड की आज सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं आपको कुछ उदाहरण देकर ये बात समझाने की कोशिश करूंगी। हम लोग राष्ट्र जागरण अभियान नाम से एक अभियान चला रहे हैं जिसमें हम भारत प्रवास पर हैं। उस अभियान में प्रवास करते हुए हम लोग हैदराबाद पहुंचे, वहां हमें जाकर पता चला कि हैदराबाद में आज भी अरब से 70-70, 80-80 साल के बूढ़े शेख आकर 12-12 साल की बच्चियों के साथ निकाह करते हैं। उसको नाम दिया है मिसियार मैरिज, यानी कि ट्रेवलर्स मैरिज। जब तक उनकी यात्रा चलती है तब तक वो निकाह चलता है, जब वो यात्रा खत्म हो जाती है तो निकाह की एक्सपायरी डेट आ जाती है। एक छोटी सी बच्ची का शारीरिक शोषण करके, दुष्कर्म करके ये शेख अपने देश चले जाते हैं और बोलते हैं कि इसकी इजाजत। तो आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम राजनीतिक दल के नेताओं को सुना जिन्होंने UCC को लेकर अपनी राय रखी, जहां पर आपने सुना कि कोई इसके समर्थन में है तो कोई इसे विपक्ष में भी है। आज हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे जो दीपेश निराला हैं, जो कि ऑल इंडिया लॉ फर्म झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष हैं। जी दीपेश, सबसे पहले आपका रफ्तार मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है। दीपेश, सबसे पहला मेरा सवाल ये रहेगा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूसीसी का मुद्दा एक बार फिर से उठाया है, तो इस संबंध में क्या कुछ जानकारी हमारे रफ्तार मीडिया के दर्शकों को बताएं? जी देखिए, समान नागरिक संहिता, जी आज हम सब जगह समानता की बात करते हैं, जी जेंडर इक्वलिटी हो, चाहे काम का समान अधिकार हो, चाहे रहने का समान अधिकार हो, जी तो फिर अब ये सिविल लॉज जो है, आपके शादी के अधिकार हैं, आपके उत्तराधिकार के अधिकार हैं, आपके एडॉप्शन के अधिकार हैं, इन सब में समानता की बात से हम लोग क्यों पीछे हटे? जी एक देश एक विधान एक निशान की बात हो रही है। आज जम्मू कश्मीर पर भी जिस तरह से काम हुआ, 370 हटाया गया वहां से और एक विधान हुआ, एक निशान हुआ, तो फिर अब यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये आपका आर्टिकल 44 आपको बोलता है, ये भारतीय संविधान में है, राज्य के दिशा निर्देशक तत्वों में है, ये आपको हाई कोर्ट कह रहा है, आपको सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, आपको शाहबानो केस आपके साथ 1985 का एकदम प्रत्यक्ष उदाहरण है।
जी तो इसमें कहाँ कोई संशय है। दीपेश जी, हम जानना चाहेंगे अगर भारत में अगर यूसीसी लागू होता है तो देश के नागरिकों को क्या कुछ लाभ मिल पाएगा? देखिए, जो अभी हर जगह असमानता है जी, हिंदू का अलग लॉ, धर्म के आधारों पर दूसरे धर्म का अलग लॉ, पर्सनल लॉ, ये इन सब चीजों से जितनी कंफ्यूजन पैदा हुई है वो एक खत्म होगी। जो आज अलग अलग संरचनाएं बनी हुई है उनका एकीकरण होगा जी। और लोगों के लिए एक देश एक कानून के हिसाब से एक तरह का सिद्धांत प्रक्रिया का निर्माण हो पाएगा, जिससे कि संसाधनों का जो अभी अतिक्रमण हो रहा है उसका जो दुरुपयोग हो रहा है वो भी कम होगा। जी दीपेश जी, अगर हम भारत के अलावा किसी दूसरे देश की बात करें तो अमेरिका, आयरलैंड, पाकिस्तान जैसे तमाम कई देशों में यूसीसी लागू है, तो वहां की फिलहाल अभी क्या स्थिति है? देखिए, कानून मतलब कानून सबके लिए होता है, कानून में डिफरेंशिएशन नहीं होता है जी। इंटेलिजिबल डिफरेंशिया भले होता है लेकिन उसका भी एक जायज आधार होता है जी। लेकिन आप यहाँ पर धर्म के आधार पर कानूनों को अलग अलग व्याख्या करेंगे तो एक समय जो था उस समय कई रियासतों का विभाजन हुआ, कई और रियासत आपसे जुड़ी, लेकिन आज आप एक गणतंत्र हैं, आज आप कई वर्षों से आप एक एकजुट देश हैं जी। तो अब तो समय इतना हो गया है कि अब विभेदीकरण का बात नहीं है, अब एकीकरण की बात है। तो जो बाहर के देश जिस प्रकार कर रहे हैं जी, उस तरह से अब इंडिया को भी उस राह में चलना होगा। जब हम अपने को पांचवी सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था के चरण में लेके जाते हैं, विकसित देशों की तरफ देख रहे हैं, हमारी स्थिति पूरे विदेश में अच्छी हुई है, तो फिर अब हम अपने जो ये विसंगतियां हैं उसको सुधार करें। जी दीपेश, आपसे एक अंतिम सवाल होगा, जिस तरह से अगर बात करें इंडियन मुस्लिम लॉ पर्सनल बोर्ड की, तो बोर्ड कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करती नजर आ रही है, तो पुलिस के पक्ष में यह कानून, मुस्लिमों के पक्ष में यह कानून कहां तक सही होगा? देखिए, अभी आपको 1985 का शाहबानो केस था, मुस्लिम महिलाएं का जो उस केस में जिक्र है, तलाक 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 तीन बार अगर आप किसी भी माध्यम से उस लेडीज तक पहुंचाते थे तो उसका सारा हक उसका खत्म हो जाता था जी। और फिर वो अपने आप को कैसे मेंटेन करेगी? तलाक हो गया उसका, अब उसका क्या उम्र है? साहबानों का उम्र उस समय 60 साल का था उस केस में जी। अब वो 60 साल की उम्र में दूसरा निकाह करेगी, कहां से वो अपने मींस लाएंगी, क्या वो बिजनेस करेगी? तो ये बहुत बड़ा समस्या है। तो जो मेंटेनेंस की गारंटी हिंदू को मिल रही है तो वो गारंटी मुस्लिम को भी मिलनी चाहिए जी। इसलिए तो ये बहुत ही जरूरी है, इससे मुस्लिमों के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं हो रहा है। हम तो चाहेंगे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ इसको ढंग से पढ़े, अध्ययन करे, केवल विरोध के लिए विरोध की राजनीति करना सही नहीं है। जी दीपेश जी, तमाम जानकारी हम तक सटीक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। धन्यवाद। तो अगले हमारे जो मेहमान है वो अटल पांडे, जो कि झारखंड बीजेपी के मीडिया संयोजक है। जी अटल, आपसे सबसे पहला सवाल होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से यूसीसी का मुद्दा उठाया है, तो क्या कुछ लगता है जो आगामी जो चुनाव होने ये बस चुनावी मुद्दा बनकर रहेगा? जी धन्यवाद मेरी आवाज रखने के लिए। जी नरेंद्र मोदी जी ने जो मुद्दा उठाया ये आज हर हिंदुस्तानियों का लगभग डिमांड है जी। और ये होना चाहिए, देश में यूनिफॉर्म आना चाहिए, एक देश एक विधान एक संविधान होना चाहिए जी। और यूनिफॉर्म आएगा तभी यह देश अच्छे से तरक्की करेगा, नहीं तो बार बार लोग सभी लोग राजनीति हो या फिर अन्य कारणों से लोग भेदभाव करते आ रहे हैं जी। संविधान भी सबको एक जब बना था तो सोच करके कि सबको समान अधिकार मिले, और भारत जैसे बहुसंख्यक देशों में, हिंदू बहुसंख्यक देश में, ये बहुसंख्यकों को ही उनका अधिकार नहीं मिल पाता है और वो जो अल्पसंख्यक है उन लोगों को विशेष दर्जा मिल रहा है। तो ये यूनिफॉर्म जब आएगा तो इन लोगों को अधिकार मिलेगा, हिंदू बहुसंख्यक लोगों को, साथ ही अल्पसंख्यक लोगों का अधिकार छीना नहीं जाएगा बल्कि उनके पैरेलल किया जाएगा, किसी का अधिकार छीनने का कहीं कोई बात नहीं हो रहा। लोग आज समाज में कई तरह का वैमनस्य पैदा करने की कोशिश करते हैं जब भी भारत में इस देश का भला कुछ होने वाला रहता है, और कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी पार्टियां लग जाती हैं कि कैसे हम इस मुद्दे को आगे नहीं बढ़ने दें और यूनिफॉर्म देश में नहीं आने दें।
देश में यूनिफॉर्म आएगा तो देश अच्छे से विकास करेगा। यदि अच्छा से विकास होगा तो कहाँ है फिर अन्य विपक्षी राजनीतिक दल कांग्रेस, जो कि इतने सालों तक देश में सत्ता चलाई अपनी, वो देश में एक रूपता नहीं आने दी, वो लोगों को बांट करके रखी, तभी वो इतने सालों तक सत्ता कायम रखी। तो भारत के लोगों को एक साथ जोड़ने का ये जो प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हो रहा है, ये बहुत ही सराहनीय है, प्रशंसनीय है और ये होना चाहिए। और हर युवा आज एक दूसरे युवा के साथ बैठे, उनके साथ मिलजुल करके रहे, लोगों के अंदर दूसरे के प्रति वैमनस्य भाव ना आए, ऐसा हम सबका प्रयास है, भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है। तो हम सबको चाहिए कि इस मुद्दे पर एकजुट होकर के सबको साथ लेकर के, आज जो इसको गलत तरीके से जो पेश कर रहे हैं समाज के सामने, उन लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने की जरूरत है। और देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है और ये होना ही चाहिए, लागू होना चाहिए। अटल जी आपसे अंतिम सवाल होगा, जब से नरेंद्र मोदी जी ने यूसीसी का मुद्दा उठाया तब से देखा जा रहा है कि एक खास वर्ग इस यूसीसी का विरोध कर रहा है, तो क्या कुछ कारण हो सकता है इसके पीछे का? देखिए, बहुत ही साधारण उदाहरण से मैं आपको समझाना चाहूंगा जी। कि जैसे हमारे घर में हम लोग 5-6 लोग रहते हैं, 5-6 परिवार एक साथ रहते हैं जी। और उसमें यदि कोई मेहमान बन के आए और यहाँ पर ही हमारे घर में बस जाए, 4-5 लोग और बढ़ जाए, तो हमारे घर का बजट हिल जाता है जी। वैसे ही हमारे देश की स्थिति है कि हमारे देश में तो हम जनसंख्या के मामले में नंबर एक पर आ गए, चाइना को भी पछाड़ दिए। उसके बावजूद हमारे देश में बांग्लादेशी, रोहिंग्या, अन्य कई लोग आ करके भारत में रह रहे हैं जी। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगी तो भारत के लोगों को समान अधिकार भी मिलेगा और ऐसे लोग को भी चिन्हित होने का अवसर आएगा कि जो इन लोगों को भी बाहर का रास्ता दिखा सके। तो विरोध तो लोग करते रहते हैं, लोग विरोध करते हैं कि केवल देश का भला जो नहीं चाहते वही यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करते हैं जी। अटल जी, आज यदि हम उनको कहेंगे कुछ तो उन लोग कहेंगे कि हमें देशद्रोही बोल देते हैं, तो ऐसा नहीं है। वो खुद सोचे कि वो किस मुद्दे के साथ देश के साथ खड़ा होना चाहते हैं और किस मुद्दे पर विरोध कर रहे हैं, वो बिना चिंता किए इन सारे मुद्दों पर हो हल्ला हंगामा शुरू कर देते हैं, एक बार उन्हें भी विचार करने की जरूरत है जी। अटल जी, तमाम जानकारियां हम तक जुड़ कर रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, देश में अगर समान नागरिकता कानून या समान नागरिक संहिता लागू होती है तो भारतवासियों को व्यक्तिगत स्तर पर संपत्ति का अधिग्रहण, संचालन का अधिकार, विवाह, तलाक और गोद लेने की परंपरा बदलेगी, साथ ही सभी पदों में समानता आएगी। तो रफ्तार मीडिया की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, बने रहे रफ्तार मीडिया के साथ।